मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम नई जगह जा रहे हैं अलवर एक्सप्लोर करने, आपके लिए नया व्लॉग बनाने। सुबह के अभी बज गए हैं 5:40। हम जा रहे हैं अभी संदीप को पिक करने। बाहर का व्यू देख लो, मॉर्निंग तो हो ही चुकी है। आगे आगे हम आपको दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया नज़ारे। ये हम आ गए हैं छोटी सब्जी मंडी। अपने संदीप भाई ने सैंडविच मंगवाए थे, उसको बहुत बढ़िया लगे थे। उसका अभी सुबह सुबह कॉल आया था कि भाई यहाँ से सैंडविच लेता ही हो। चलो अब जा रहे हैं हम सैंडविच लेने। बस संदीप के पास पहुँचने ही वाले हैं। उसने सागरपुर रेड लाइट के पास हमें बुलाया था कि वहाँ पर आ जाइए, मुझे पिक कर लियो। अभी आपको संदीप से मिलाते हैं। ये देखो मॉर्निंग भी हो ही चुकी है पूरी। संदीप भाई का वेट कर रहे हैं, किधर खड़ा हुआ है ये वही देख रहे हैं। अब मुझे ये खड़ा दिख तो रहा है, देखते हैं। हाँ वही है, संदीप ही है। ये मिल गया फाइनली। वाओ, ये दो ब्लॉगर मिल गए इकट्ठे। आजा भाई, आजा आजा। यार चल, दो ब्लॉगर भाई इकट्ठे मिल गए हैं। हम जा रहे हैं अब अलवर, अभी बनेगा ब्लॉग पूरा। हाँ, अब आपको ब्लॉग देखने के मिलेंगे हमारे चैनल्स पे, मेरा JS ब्लॉग्स। संदीप भाई तू अपना भी बता दे यार। भाई रोड वंडरलस्ट, आप चेक कर सकते हो, हमारे दोनों के चैनल व्लॉग्स आएंगे जल्दी ही। हमने मनाली के व्लॉग्स भी डाले थे, वो भी देख लेना। तो ये हम द्वारका के पेट्रोल पंप पे आ गए हैं, पेट्रोल फुल करवाने। भैया फुल कर दो यार, देखते हैं अब इसमें कितना जाता है पेट्रोल। लगता है 2-2.5 हज़ार रुपये का तो डल ही जाएगा इसमें। ये अपना संदीप भाई वेट कर रहा, कब फुल होएगी गाड़ी, जल्दी से जल्दी चले जाए। कर दो 2.5 हज़ार का कर दो इसको। चलो अब हमें कैमरा बंद करना पड़ेगा, पेटीएम से हमें पे करना है ना, फ़ोन तो यूज़ करना ही पड़ेगा। ये अब हम गाड़ी की अपनी टैंकी फुल करवा के निकल गए हैं बल्लभगढ़ को। अपने सचिन भाई को लेना ना, वहाँ से पिक करना। उसको बहुत मुश्किल से मनाया हमने कि भाई साथ में चल। पहले तो बोल रहा था जब मर्जी चलो घूमने भाई। अब हमने उसको परसों बोला था कि भाई अलवर चलते हैं घूमने, तो भाई की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो भाई थोड़े नखरे दिखा रहा था लड़कियों की तरह। मैं कहा यार उसको अब लेके तो जाना पड़ेगा ही साथ में। उसको कल हमने कम से कम 4 कोकोनट वाटर पिला दिए थे। सीधा जाना है क्या संदीप भाई? सीधा चलना है। अब हम ये लोकेशन लगा रहे हैं बल्लभगढ़ की, वहाँ से उसको पिक करेंगे और फिर अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाएंगे अलवर। चलो आपको हम आगे आगे व्यूज दिखाते ही रहेंगे बढ़िया बढ़िया। सनराइज भी हो चुका है, ये देखो बहुत सही लग रहा है। ये फिर पीछे छुप गया है, बड़ी मुश्किल से मेरे को मिला था शूट करने के लिए। हमने इसकी टैंकी फुल कराई है, आज हम टैंक टू टैंक देखेंगे होंडा सिटी हमें कितनी माइलेज देती है। और बताओ, कमेंट्स में बता देना हमारा आपको व्लॉग कैसा लगता है और ये वाला भी कैसा लगेगा। अभी हम धीरे धीरे अपनी स्किल्स अपग्रेड करते ही रहेंगे। ये अपना भाई गिम्बल निकाल रहा अपना, बढ़िया बढ़िया कह रहा शॉट लूंगा मैं, एक टाइम लैप्स बनाना है इसने, इसलिए ये गिम्बल निकाल रहा है, यहाँ आगे रख देगा। ये ट्रक वाले को क्या हो गया, साइड पे लगा के खड़ा हुआ है, आधी सड़क तो इसी ने घेर रखी है। संदीप भाई ये कौन सा है गिम्बल? ये भाई डिजिटेक का है,
कैसा है, इसको यूज किया क्या या फर्स्ट टाइम ही यूज कर रहा है? ये फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूं भाई। देखते हैं अभी कैसा होता है यूज, अभी तक किया तो है नहीं। एक दो रिव्यूज वगैरह में देखा था, यूज करना बता रखा था। ये इसका ट्राइपॉड है, इसको लगा के बढ़िया से स्टैंड कर लो। क्वालिटी अच्छी है, इन बजट है, अच्छा है। कितने तक का पड़ गया ये? मैं भी सोच रहा हूं एक गिम्बल लेने का। ये 6000 का पड़ गया भाई, बढ़िया है फोन के लिए, नॉर्मल। वर्थ है 6000 या नहीं? 6000 के अकॉर्डिंग मेरे को तो अभी फिलहाल वर्थ ही लगा, एंड यूज करने के बाद अभी ज्यादा पूरा। अरे इसको बहुत जल्दी लग रही है, ये बहुत पास-पास आ ही जा रहा है हमारे। जा भाई तू ही निकल जा यार पहले। वो वाले नहीं कुछ भी कर सकते, इनको लोगों को बहुत जल्दी होती है भगाने की। आराम से 10 मिनट लेट पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन से। सेफ तो जाओ, सेफ ड्राइव करनी चाहिए। ये देखो अभी भी भाग ही जा रहा है, भाग ही जा रहा है। इको वाले कुछ भी कर सकते हैं। व्यू कितना बढ़िया आ रहा है भाई साहब। आगे लेफ्ट में भी ट्रीज हैं और राइट में भी ट्रीज हैं और सेंटर में भी ट्रीज हैं। ये वाले भाई से इसका गिम्बल ही नहीं सेट हो रहा है, इसको भी समझ ही नहीं आ रहा है ये यूज कैसे करना है। इसने ले तो लिया है, धीरे-धीरे सीख जाएंगे भाई। कोई नहीं भाई, यूट्यूब पे सब होता है। ये भाई टाइम लैप्स के लिए फोन सेट करने लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसने? टेम्पू वाले ने छोटे हाथी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बढ़िया चीज है ये। मुझे अपना पुराना टाइम याद आ गया। कोविड के टाइम पे मैंने भी साइकिल ली थी और हम भी ऐसे ही जाते थे अपने घर से ले गए सीपी तक साइकिल पे नॉन स्टॉप। इंडिया गेट भी गए, एयरपोर्ट भी गया था मैं दो साइकिल लेके अपनी। बहुत मजा आता है साइकिलिस्ट के साथ जाकर, ये पूरे ग्रुप में जाने का मजा ही अलग है। फिटनेस तो रहती ही रहती है। ये अपने को सचिन भाई मिल गया है। ये आ रहा पलवल सचिन भैया की एंट्री फाइनली आ ही गया ये। और सचिन भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई। पापा ने टापा तो नहीं चाड़ा? पापा नु तो अभी पता ही नहीं है। चल दिए सुबह उठे हैं भाई, माता जी को पता है बस। चल अब हमें जाना किधर से है? सीधे ही निकलना है हमें। ये सीधा? हाँ। तुम भाई साहब ट्रैफिक इतना, इधर से और कोई रास्ता नहीं है क्या? अभी हट जाएगा ये रोडवेज वाले ने अड़ा दिए। हमने अपने सचिन भाई को बैठा लिया गाड़ी में। और सचिन भाई कैसा है, फीवर वगैरह ठीक है या नहीं? है अभी हल्का हल्का है बाकी का। चल तेरे को आज भी हम कोकोनट वाटर पिलाएंगे रास्ते में, अभी मिलेगा तो लेते हैं कहीं से। और बता सब बढ़िया? सब बढ़िया, मजे कराएंगे। मजे करने यार। अलवर छोड़ के ऋषिकेश चलते हैं क्या? मैं ना कहता हूं वहीं चलते हैं। बता चलना है तो ठीक है, फिर रेजिग्नेशन ही दे देते हैं। फिर ऋषिकेश से रेजिग्नेशन ऑफिस की बात कर रहा है घर से? हां मतलब तू बता दे समझ ले रेजिग्नेशन घर से उससे। रेजिग्नेशन फिर पापा को देना पड़ेगा, ललित सर को नहीं। जो राजस्थान जा रहा है हां वो अबे जो मानेश्वर का अपने घुसाने के बाद आता है वही। तो केएमपी पे चढ़ गए हैं ये। सूरज तो भाई साहब पूरा सर पे चढ़ गया है, इतनी तेज धूप हो रही है ना बाहर। अभी हम पहले बीच में रुके थे, बाहर निकल के देखा बहुत गर्मी हो रही है बाहर। हमारा मन कर गया था ये हाईवे पे रुकने का, थोड़ा हमने सोचा शूट वगैरह कर ले। ये इधर फोटोग्राफी चल रही है पीछे और ये व्लॉगिंग भी करेगा अभी। सूरज तो बहुत तेज हो रहा है। बहुत खाली है यहाँ पर, तो ग्रीनरी बहुत सही है यहाँ पर। वजह से पॉल्यूशन होता है इधर, ये देख लो। तभी हमारे को अरावली हिल्स नहीं दिख रहे थे पॉल्यूशन की वजह से।
serious? हमने एक ब्लॉग बनाने के चक्कर में दो गलत कट ले लिए, उन्हीं की वजह से हमारे को 40 किलोमीटर बहुत आगे से कट मिला, हमारे को बहुत लंबा पड़ गया। केएमपी एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए थे हम, अब हम जा रहे हैं रेवाड़ी वाले पे। अब हम मन्नत ढाबे पे रुकेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, थोड़ा रिफ्रेश होएंगे, मिलते हैं आपको वहीं पर। मन्नत पहुंच चुके हैं हम, ये भी अपना व्लॉग बना रहा है। हमने गाड़ी पार्क कर दिया है, भूख हमें बहुत तेज लग रही है। कहाँ जा रहा है भाई, तेरे को खिलाते हैं, आजा आजा भाई। रंगीला भारा राजस्थान। तो गाइस मन्नत अभी मन्नत ढाबे पे चलते हैं, आओ कुछ ना कुछ खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं हम क्या खाएंगे। जल्दी ऑर्डर मिल ही जाएगा खाने के लिए। हम थोड़ा डिप्रेस हो रहे हैं, मुँह वगैरह धो लें, थोड़ी नींद आ रही थी। यहाँ पर ये शॉप्स भी हैं लेने के लिए, कुछ ना कुछ परचेज कर लो। बहुत तेज भूख लग रही है यार। ऑर्डर तो हमने दे दिया, आलू प्याज पराठा थी और 3 स्पेशल चाय। जल्दी से जल्दी अब हो रहा है कि पहुँच जाए वहाँ पर, बढ़िया बढ़िया फोटोज खिंचवाएं। स्पेशल चाय, यही हमने टाइम लैप्स बनाने के लिए ट्राइपॉड लगा रखा है। थोड़ी छांव होती तो हम यहाँ बाहर बैठते गार्डन में। यहाँ पर फूड कोर्ट भी है, ज्ञानीज भी है, अंदर रेस्टोरेंट भी है, वहाँ पर भी बैठ सकते हैं, मगर हमें बाहर की फील लेनी थी इसलिए हम बाहर बैठे हुए हैं। ये हमारी लेन तो पूरी खाली है यार, ये खाली तो दे गए हैं मगर हमारे परांठे नहीं लेके आ रहे, पेट में हमारे चूहे कूद रहे हैं। इसमें क्या दे रहे हैं इन्होंने, वाइट वाइट मक्खन दिया हुआ है इन्होंने, और ये दो चटनियाँ दी हुई इन्होंने। अरे भैया जी जल्दी ले आओ यार, भैया सबका ऑर्डर ले जा रहा मगर दे रहा नहीं ऑर्डर। दे दो यार खाना, दे दो दे दो। फाइनली आवर फूड इज अराइव्ड। बढ़िया लग रहा है, अच्छी लग रहा है। देखो लगता है एक से पेट भरेगा नहीं, एक और ऑर्डर कर देना चाहिए। गाइस हम मन्नत से तो निकल ही गए थे अपना ब्रेकफास्ट करके, अपना पेट भर गया एकदम फुल टैंक, चाय बढ़िया सी मिल गई थी वहाँ पर। अब हम निकल गए हैं, हमारा डेस्टिनेशन रह गया है सिर्फ 88 किलोमीटर, ये दिखा रहा है 1 hour 15 minutes। अब देखो हम अपनी गाड़ी कितनी देर में लगाते हैं वहाँ। आगे मुझे तो ट्रैफिक दिख रहा है। ये आंटी जी हमारे को नमस्ते कर रही है रेवाड़ी पहुंच गए। कलर देखो भाई इसका, अरे ये गाड़ी कितनी प्यारी थी, ना दिखवानी ना ताई कुंजी पूंछ दी। मजा तो आ रहा है हमारे को मगर धूप ने हमारी बैंड बजा दी है। हमारी गाड़ी भी एवरेज अच्छी दे रही है, 18 की एवरेज दे रही है। अभी हम थोड़ा इससे पहले 22 पहुंच गई थी ब्रो। पेट्रोल में भी होंडा सिटी इमेजिन कर सकते हो इतनी बढ़िया एवरेज देगी। हम एवरेज बढ़िया निकाल देते हैं, तरीका होता है उसकी वाले की तरह नहीं। किया वाला खींचम खींच चला रहा है, हम नॉर्मल पंजा रखते हैं। इधर देख लो बिहाइंड द सीन, टाइम लैप्स बनाने में कितनी मेहनत लगती है, बेचारे का हाथ दर्द होने लग गया है, कहीं से भी आ जाते हैं देख लो।
ये हम बीच में हमने एक ब्रेक ले लिया है, बैक वगैरह सीधी कर लेना और आपको अपडेट भी देते हैं और व्यूज भी दिखा दें थोड़ा बढ़िया बढ़िया से। गाड़ी को भी रेस्ट चाहिए होता है ना, गर्म हो जाती है और हीट हो रही है। ये खेत देख लो, फ्रेश एयर लेने के लिए रुके हैं, थोड़ा इधर उधर टैग भी लें, बढ़िया से नज़ारे देखें और आपको भी दिखाएंगे। हमारी वीडियो देखो आगे आगे, स्किप मत करना, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल और थोड़ा प्यार दिखाओ। ये हीरो को देख लो, ये भाई साहब जी बिजनेस इतने लग रहते हैं इतना, जब देखो फोन जब देखो। 90% हमने रास्ता कवर कर लिया है, इसने इसका फोन नहीं बंद हुआ। ये यूट्यूबर की लाइफ होती है, एक फोन दुकान को लगा हुआ है, एक फोन ट्राईपॉड पे लगा रखा है इसने। और सचिन भाई मजा आ रहा है? मजा आ रहा है भाई साहब, बिल्कुल सही लग रहा है ना। गेहूँ के खेत कट चुके हैं, गेहूँ निकाल के रख लिए हैं, वो रखे हुए दिखा रहे हैं। बारिश की वजह से नुकसान तो बहुत हुआ होगा किसानों का, है ना? इस बार आशंका यही है कि बारिश कम रहेगी। कम रहेगी, काफी काफी लोगों ने तो किसानों ने गेहूँ कर लिए होंगे। हाँ, यहाँ आगे से गेहूँ होते हैं तो यहाँ पे जल्दी फसल कटती है। छोटे छोटे फ्लावर्स भी हैं यहाँ पे, वैसे भी राजस्थान में पानी कमी मिलेगा यहाँ। सचिन परेशान हो जाएगा, पहला इनके साथ दोबारा नहीं आना, ये वीडियो बनाते हैं बहुत तंग करते हैं, बहुत मेहनत है वीडियो बनाने के लिए। बढ़िया से हम फोटोग्राफ्स ले लिए हमने अपने, सचिन और संदीप तो गए हुए हैं पीछे वो कॉर्नर पे लेने कोक वगैरह, उनको प्यास लग रही थी। ट्रैक्टर फुल्ली लोडेड, डबल स्पेस लेके चल रहा है ये तो रोड पे। बाहर गर्मी बहुत है, मेरे को 5 मिनट में बाहर खड़ा हूँ, मेरे को पसीना भर गया हूँ मैं तो पसीने से। संदीप भाई का कॉल भी आ गया है, पूछ रहा होगा कि क्या पीना है। चलो आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं, पहले इससे मैं बात कर लेता हूँ। संदीप से बात कर लिया और इन दोनों को पिक भी कर लिया। वी आर इन बडूसी, थोड़ा बोलने में डिफिकल्ट हो रहा है, नए नए वर्ड्स हैं ना हमारे लिए। ये हमारा फर्स्ट टाइम है अलवर, अब हम घूमते ही रहेंगे, ब्लॉग्स भी आते रहेंगे और हमारे घर वाले परेशान भी होंगे कि ये बहुत घूमने लग गए हैं, और ऑफिस वाले तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे कि ये तो हद से ज़्यादा ही छुट्टियां ले जा रहे हैं। काम में इफेक्ट तो पड़ेगा ही, मगर YouTube तो ज़्यादा है ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए। व्यूज़ देख लो गाइस आगे, पहाड़ को तो देख नहीं रहा पहाड़। अरे वो यहाँ अच्छा ये साइड वाले, हाँ 11,000 वोल्टेज जा रही है उसके पीछे। पहाड़ों का नज़ारा देख लो यहाँ पर। ये हम छोटे मनाली आ गए हैं, सूखा मनाली सूखा मनाली है। ये खड्डे बहुत हैं, एक तो इधर और स्पीड ब्रेकर भी बहुत है। हम
तुम्हारी कैसे गाड़ी तेज चल रही है एकदम से, कैसे गाड़ी हल्की सी इधर कर दो संदीप की जान सूख जाती है। भाई डर तो लगेगा ही ना यार, तू अचानक से ऐसे घुमा देता है। ये देखो एकदम से आ गया, मगर हमको दिख जाता दूर से, मगर हमको आदत है ना अचानक एकदम ब्रेक मारने की, धीरे धीरे जाएगी हमारी। और यहाँ पे जगहों के नेम बहुत यूनिक है, अभी हम कटोरी वाला में घूम रहे हैं, जैसे जोश में गलत कट ले लिया है, पता नहीं भाई सबको क्या हो जाता है। गानों में इतने लीन हो रहे हैं यार, तू गाने ऐसे सुना रहा है इतने बढ़िया बढ़िया, ये हमारे साथ थर्ड या फोर्थ टाइम हो चुका है, हमने गलत टर्न ले लिया। अब उनसे इधर वाले टर्न किधर उधर, हाँ रॉन्ग वे चल जाते हैं, क्या घूर रही है आंटी जी, रॉन्ग वे नहीं उधर से रास्ता पूरा, इधर थोड़ा तो रॉन्ग वे गए, कैमरा चलते नहीं है। राजगढ़ 49 अलवर शहर आ जाएगा कि वो पीछे जा रहा रहेगा। अब सही रूट पे हो गए हम, ऑटोमेटिक लेगा वो भी, देखो मैप पे सही हो जा भाई, ये गूगल महाराज अभी तक नहीं, चाचा भी हमारे को कभी कभी गलत डायरेक्शन में भेज देता, भरोसा तो इसी का ही करना पड़ेगा ना। गाइस व्यू चेक कर लो आप, अभी हमने संदीप ब्लॉग बना रहा था, हमने ब्लॉग में सच्चाई बोल दिया वो बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ नहीं है भाई, सच्चाई है सच्चाई, सच्ची है। आप संदीप के चैनल पे जाके देख सकते हैं हमने क्या बोला है, नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको क्या बोला है भाई, ऐसे नहीं सच्चाई दिखानी चाहिए ब्लॉग में, चेक करो कितना बढ़िया लग रहा है, तुरंत चेंज, तुरंत चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, सच्चाई बोलनी चाहिए ब्रदर, सच्चाई। माउंटेन बहुत बढ़िया लग रहे हैं यहाँ से, मगर थोड़ी गर्मी ज्यादा है इधर, वो हम अवॉइड कर देंगे क्योंकि हमारे को व्यूज इतने बढ़िया बढ़िया मिल रहे हैं, गर्मी तो ऐसी पड़ रही है कि मतलब पसीना कहाँ कहाँ पहुँच गया हम बता नहीं सकते, कहाँ कहाँ पहुँच गया बता दे बस हमने अलवर पहुंचने में इतना टाइम लगा दिया है, मतलब चंडीगढ़ पहुंच जाता है, मगर हम ब्रेक्स बहुत ले रहे हैं ना बीच में, हमें ब्लॉग भी बनाना है, व्यूज भी रिकॉर्ड करने हैं अच्छे अच्छे, और अपना फोटोशूट भी करना है, हमारे पास कंटेंट खत्म हो गया था ना इंस्टाग्राम के लिए, दोबारा रिपीट करियो पहाड़ क्यों तपस्या को करेगा, इसको अकाउंटेंट नहीं मिलेगी इसलिए कौन सी अकाउंटेंट, तेरे पुराने ऑफिस वाली, पुराने ऑफिस वाली की है, पुराने ऑफिस वाली, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है, ये सच्चाई निकल ही जाती है भाई, भाई ऑफिस में तो मैं भी बदनाम ही हूँ कि 6 बजे चले जाता है, ये भी बात सेम ही है यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कहता हूँ यहाँ गाड़ी लगाते हैं बढ़िया पहाड़ की, तू आधे रास्ते गाड़ियाँ रुकवाता आ रहा है भाई, भाई तभी तो फोटो खींचेंगे, भाई हमारी किस्मत इतनी बढ़िया है ना, अभी इतनी तीखी धूप थी, हमारी किस्मत बहुत बढ़िया है, हमारे साथ मनाली में भी ऐसी हुआ था, वहाँ स्नोफॉल हो नहीं रही थी, हम जैसे गए थोड़ी देर बाद ही स्नोफॉल स्टार्ट हो गई, और इधर भी ऐसे ही हो गया, अभी हमारे को रास्ते में इतनी तीखी धूप मिलती थी, और यहाँ पहुँचे हम, व्यू इतना बढ़िया हो गया, धूप भी चले गई है यहाँ से, ये देखो जन्नत। व्यू चेक करो भाई साहब, छोटू मोंकी अड्डा, धूप थोड़ी सी फिर और हो गई है, दोबारा अब यहाँ पर धूप कभी आ रही है कभी जा रही है, थोड़ा टेम्परेचर का फर्क हो गया अभी।
बहुत है इधर, थोड़ा ध्यान से हमें जाना पड़ेगा अभी। मम्मी कच्चा उतार लेते, तेरा ही ना उतार ले, ध्यान रखियो।